जब से सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया है, तब से बीएड अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, साथ में एनसीटी के नए गजट जिसमें बीएड शामिल रह सकता है और वह सुप्रीम कोर्ट से रद्द भी नहीं है, पूरी अपडेट देंगे। बस इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, सब चीज आप देख सकें, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी इस बात की निचोड़ को समझ पाएंगे कि आखिर में क्या हमारे द्वारा बताया गया है, क्या सही है क्या गलत है, वो आप लास्ट में सोच भी सकते हैं, उस पर तय भी कर सकते हैं। तो पहले वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए कर लीजिए ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको मिल सके। चलिए आप पूरी जानकारी देखते हैं। हम यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी तस्वीर आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, केवल आपको हम पर जानकारी दे रहे हैं और वो जानकारी जो है वो एकदम सही है। उसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एनसीटी की चेक भी कर सकते हैं। देखिए, एनसीटी ने जब पहला गजट जारी किया था बीएड को लेकर 11 में, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती भी हुई थी 72,000, अगर उत्तर प्रदेश के जो भी छात्र हैं उनको पता भी होगा। उसमें एनसीटी ने कहा था कि बीएड प्राथमिक शिक्षक बन सकता है, बस वो स्नातक हो, बीएड हो और 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर ले, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता है। लेकिन वो जो गजट था वो केवल 2012 तक ही वैलिड था और उसी बीच में वो नोटिफिकेशन भी आया था और उसी बीच में वो भर्ती भी हो गई थी, उत्तर प्रदेश की हम बता रहे हैं, और वैसे बहुत सारी अन्य भर्तियां भी हुई होंगी। लेकिन फिर एनसीटी ने 2012 में एक नया गजट जारी किया, उसमें उन्होंने सेम पात्रता रखी कि आप स्नातक हो, बीएड हो और 6 महीने का ब्रिज कोर्स किए हो तो आप प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। यहां तक दोस्तों ठीक था। फिर आगे इस चीज को बदल दिया गया, केवल बीएड प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे, इसको लेकर एनसीटी का नया गजट जारी किया गया, नई योग्यता जारी की गई। तो ये दो गजट तो मैंने आपको बता दिए कि इसमें बीएड शामिल था, अब तीसरा और मेन जो गजट है उससे आज भी प्राथमिक शिक्षक बीएड अभ्यर्थी बन सकते हैं, ठीक है, और वो गजट आज भी एनसीटी की वेबसाइट पर अपलोड है। और जो रद्द किया गया है वो केवल 2018 वाला जो गजट है वो रद्द किया गया है, एक 10 में आया था, एक 11 में आया था, मैंने आपको बताया एक 10 में गजट आया था वो 12 तक था, ठीक है, फिर बीच में एक आया 12 पर और फिर एक आया 2021 में। 2021 में एनसीटी ने एक नया गजट जारी किया और बीएड अभ्यर्थियों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए एक योग्यता बताई कि कम से कम 50% के साथ आप स्नातक और बीएड हो और 6 महीने का ब्रिज कोर्स हो और अगर आप एमएड हैं साथ में, बीएड के साथ एमएड, तो आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। यह 2021 का गजट है, अभी आप एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए और डाउनलोड करिए और योग्यता चेक कर लीजिए, 1 से 5 तक की योग्यता निर्धारित की गई है यहां से। और इस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी नहीं किया है, रद्द जो किया है वो 2018 वाला जिसमें केवल बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल है, जबकि इसमें स्नातक प्लस बीएड 50% अंकों के साथ, 6 महीने का ब्रिज कोर्स, साथ में एमएड, इतनी योग्यता अगर रखते हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, ये उसमें कहा गया। फिर इसके बाद इस गजट को बदला गया और 2018 में नया गजट लाया गया जो कि बीएड प्लस 6 महीने का ब्रिज कोर्स और प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो हो सकता है कि एनसीटी उस पुराने जो 2021 वाला गजट है उसके अनुसार बीएड छात्रों को राहत दे सकती है, तो
तो ऐसे में जो छात्र एमएड होंगे उनके लिए तो ये फायदा होगा, वो बीएड में बीएड हैं एमएड हैं तो वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें एनसीटी क्लियर करेगा, लेकिन वो गजट में ऐसा दिया हुआ है और वो गजट आज भी ऑफिशियल वेबसाइट पर है और मान्य है, तो ऐसे में ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। तो ये जानकारी देखने को मिली थी, इसलिए आप सभी के साथ शेयर की गई। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि बीएड के छात्रों के भविष्य के साथ कुछ ना कुछ नया देखने को ज़रूर एनसीटी की तरफ से देखने को मिलना चाहिए। बाकी बीएड मामले पर अगली कोई और अन्य अपडेट आएगी जो अगले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।